पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सांसदों के निलंबन मामले में केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि 13 दिसंबर को लोकसभा में जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन है। केंद्र सरकार इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भाजपा पर मुद्दा भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा में 13 दिसंबर को जो घटना हुई वो बेहद चिंताजनक है। इस घटना से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाले वीडियो को मुद्दा बनाकर संसद में ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा केंद्र में भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संसद में 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी गई है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? भाजपा निलंबित सांसदों की आवाज को दबाना चाहती है, जबकि पूरा देश जानना चाहता है कि लोकसभा में घुसपैठ करने वाली घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। इस दौरान सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजन लाल के पक्ष में भी बयान दिए। उन्होंने पेपर लीक मामले में एसआईटी के गठन के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये मामला नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले की हर तरह से जांच होनी चाहिए। जो भी इस मामले में दोषी है सबके सामने आना चाहिए। साथ ही पायलट ने ये भी कहा कि इस मामले की जांच बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के होनी चाहिए। वहीं पायलट ने कहा कि कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई है जो बेहद अफसोसजनक है। हम इस हार को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में हम राजस्थान में बदलाव करके दिखाएंगे। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमें बदलाव करके दिखाया है। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब आने वाले समय में आपकी क्या भूमिका रहेगी, तो इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने कहा कि जल्दी राजस्थान में भी जिम्मेदारियाँ तय की जाएंगी। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।